जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रोसन पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं तालीमी बाग फिडलवी एरिया ब्लॉक 14 में, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी डीसी सेंट्रल के ज़ेर एहतमाम गुले दाऊदी की नुमाइश हुआ करती है। और गुले दाऊदी की नुमाइश वो नुमाइश है जो पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान के दीगर हिस्से हैं इसमें तीन जगहों पर तीन मकाम पर हुआ करती है। और ये ठंडे जो हवाले जो हैं ख़ासतौर सर्दी के, ये गुले दाऊदी की जो इकसाम है इसमें बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा इस पर फूल हुआ करते हैं। और इसकी नस्लों की अफजाइश करने के हवाले से यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर पार्क डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हनीफ नदीम हनीफ साहब भी मौजूद हैं। नदीम हनीफ साहब जो हैं वो यकीनन गुज़श्ता कई बरसों से इस गुले दाऊदी की फूलों की नुमाइश की अफजाइश के साथ साथ यकीनन इसको सराहते भी हैं। और इस हवाले से ख़ासतौर पर बड़ी हैरतदा बात है, यकीनन कि हैरतदा यूँ भी कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मरकज़ी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी इसको सराहा है। और उन्होंने बार बार इस हवाले से जिक्र किया है कि गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ख़ास बात यह भी है कि यकीनन जिस तरह से इस्लामाबाद में और लाहौर में हुआ करती है, और तीसरी नुमाइश जो है DMC सेंट्रल में हुआ करती है गुले दाऊदी की। इसी हवाले से नदीम हनीफ साहब से बात करेंगे। नदीम हनीफ साहब, क्या कहेंगे, किस तरह की अफजाइश करते हैं और कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है? और यकीनन ये तो मुझे मालूम है कि सर्द इलाकों में हुआ करता है, कराची तो गर्म इलाका है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप हम वक्तन फवक्तन हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं नदीम भाई मुख्तलिफ फ्लावर शो में, और ये कराची में वाहिद DMCA DMC सेंट्रल जो 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ करती है, ये उसका पहला मरहला है दिसंबर का क्रैंसेंथेमम। इसके अलावा 3 फ्लावर शोज हम और करते हैं। रही ये बात कि हम गुले दाऊदी, जो गुले दाऊदी जैसा आपने बताया इस्लामाबाद है, लाहौर है और तीसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। सिंध में तो ये वाहिद DMCA है जो क्रैंसेंथेमम गुले दाऊदी शो करती है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये हमारी जो 16 एकड़ पे नर्सरी है फेडरलवी एरिया में, ये तमाम प्लांट्स तमाम फ्लावर वहाँ तैयार किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा स्टाफ है जो ये चीज़ें तैयार करता है। मुर्तज़ा वहाब साहब की बात की, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत एप्रिशिएट किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, तो ये उसी का तसलसल है, उनकी शाबाशी का, उनकी एप्रिसिएशन का। और यहाँ जो है 100 से ज़ायद कलर के फ्लावर हैं क्रैंसेंथेमम के, जिसे हम आम जबान में गुले दाऊदी कहते हैं, और 30,000 प्लांट्स का डिस्प्ले जी। और यहाँ इसकी मैं जो क्वालिटीज़ के साथ साथ एक क्वालिटी ये है कि यहाँ सिर्फ जो है एक ही फैमिली के फ्लावर और प्लांट मिलेंगे, किसी और फैमिली का प्लांट या फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। ये प्योरली जो है गुले दाऊदी शो है, क्रैंसेंथेमम फ्लावर शो है। तो आप जो है कल इंशाल्लाह ताला इसका इफ्तिताह है, मुर्तज़ा वहाब साहब इनॉग्रेशन करेंगे इसका बाकायदा कल 4 बजे। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो है यहाँ आएँ और इस शो को जो है कामयाब बनाएं, और देखें कि DMC सेंट्रल महकमा बागात किस लेवल पे काम कर रहा है। हम ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए इस तरह के शोज़, इस तरह की चीज़ें इस कराची शहर की, इस मुल्क की नीड है, और कोशिश करते हैं कि ये शो जो बड़ा से बड़ा शो ताकि आम लोग इससे महजूज हो सकें। ये बेशक कि हमने तैयारी तो की हुई है, लेकिन इसकी अफजाइश के लिए यकीनन शहर कराची तो गर्म इलाका है, इसकी अफजाइश का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह करते हैं? इसके तरीक़ेकार ये है, क्रैंसेंथेमम जो 3 टाइप से बनती है, जैसे आम उसमें हम कहते हैं सकर्स यानी बच्चे, जो दीगर जो है सीड्स, और तीसरा जो है वो कटिंग्स जिसे हम कलमे कहते हैं। तो DMC सेंट्रल का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा स्टाफ है कि जो है वो ऐसा स्टाफ है जो अपनी नर्सरीज में ये चीज़ें तैयार करता है। और जी, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जो डिस्प्ले किया है, ये फ्लावर बेड्स बनाए हैं, ये एक बहुत बड़ा शो है, बहुत अच्छा शो है। और आप लोगों का बहुत मीडिया का कि वो मीडिया यहाँ आके हमें अप्रिशिएट करता है और हमारी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुँचाता है। देखिए, ये थे नदीम हनीफ साहब जो कि बता रहे थे यकीनन फ्लावर शो हर साल की तरह इस साल भी, और यकीनन गुले दाऊदी जो है साल में एक मरतबा DMC सेंट्रल किया करता है। लेकिन इनका कहना ये भी था ख़ासतौर पर कि गुले दाऊदी के अलावा
जो है दीगर जो फ्लावर शो है वो भी उस पर भी ख़ास तवज्जो होती है इनकी। और यही वजूहत है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उन्होंने भी इसको सराहा है और उसका बाकायदा तैयारी तकरीबन मुकम्मल मराहल में गुजर रही है। और तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त क्योंकि मौसम सर्द है और ज़बरदस्त, सब बताते हैं कि सर्द इलाकों का ये फूल है और इसकी अफजाइश के लिए ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। और यकीनन उम्मीद की जा रही है कि इसको शहर कराची के लोग जो हैं ख़ासतौर पर यकीनन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये लगाया गया, लेकिन पूरे शहर कराची से लोग जो आएंगे और इससे मुस्तफीद होंगे। जी